हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई थिंक यू ऑल आर फाइन. आई एम ऑल्सो गुड हियर. एंड इन टूडेज क्लास आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर टेंस नंबर 4, विच इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. इन आवर प्रीवियस 3 वीडियोज वी हैव अ डिस्कशन ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट. एंड नाउ टुडे इट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. और इसके कंप्लीट होते ही हमारा टेंस का एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. तो चलिए देखते हैं. थोड़ा सा रिवीजन ज़रूरी है ना, इसलिए मैं आपको जो टेंस में हमेशा रिवाइज करवाती हूँ एक छोटी सी ट्रिक, उसको हम देख लेते हैं. हमें क्या याद रखना है? एज फॉर सन ना याद रखकर हमें याद रखना है एज फॉर सिंगुलर. एज फॉर सिंगुलर, एंड सिंगुलर मीन्स ही, शी, इट एंड वन नाउन. तो होता क्या था, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते थे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज़ करते थे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस. और जब हम यूज़ करते थे डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इज़ यूज़ करते थे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कॉन्टीन्यूअस में, आई के साथ एम, और आर के साथ क्या यूज़ करते थे, आर हम यूज़ करते थे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. फिर हम आते हैं हैज या हैव के ऊपर, प्लस थर्ड फॉर्म. हैज सिंगुलर साथ, क्योंकि इसमें लास्ट में एस है, इसमें लास्ट में एस है, ये भी एस वाले हैं, ये भी एस वाले हैं. तो जितना भी एस की फ्रेंडशिप है वो किससे है? सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर से है. तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, हैज यूज़ करा था सिंगुलर साथ, हैव यूज़ करा था प्लूरल के साथ. तो ये तो आपका हल्का सा रिवीजन हो गया. मैंने एक चीज़ और बताई थी, कॉन्टीन्यूअस का नाम आते ही, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का नाम आते ही, मतलब प्रेजेंट क्या, कॉन्टीन्यूअस का नाम आते ही हमें आईएनजी फॉर्म याद रखनी है कि कॉन्टीन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म ही आएगी, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म ही आएगी. लेकिन यहाँ तो भाई परफेक्ट भी है और कॉन्टीन्यूअस भी है, यहाँ तो दोनों चीज़ें दे रखी है ना कि परफेक्ट भी है और कॉन्टीन्यूअस भी है. तो इसका मतलब हमें ये भी यूज़ करना है और थोड़ा सा पार्ट परफेक्ट का भी लेना. परफेक्ट में हम क्या यूज करते थे पहले हमें ये बताइए आप. तो क्या था परफेक्ट में हम यूज करते थे? हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म. तो यहां पर हम हैज या हैव का यूज करेंगे, प्लस लगा देंगे बीन थोड़ा सा अलग करने के लिए, और यूज करेंगे कॉन्टिन्यूस की आई एन जी फॉर्म. तो इसीलिए इसका नाम रख दिया है परफेक्ट और कॉन्टीन्यूअस, जिसको मिला लिया गया है एक तरीके से. थोड़ा सा चीज़ परफेक्ट की ले ली गई है, थोड़ी सी कॉन्टीन्यूअस की ले ली. अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको समझना होगी, इसमें टाइम के साथ हमें दे रखा होता है, तो टाइम के साथ जो दे रखा होता है उसके साथ हमें लगाना होता है सिंस या फॉर. देखिए, सिंस या फॉर का यूज़ हम करते हैं. सिंस को हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर को यूज करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए. किसके लिए यूज करते हैं? सिंस को यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, किसी चीज को पॉइंट कर रहे हैं. मैं कल 8 बजे आपकी क्लास लूंगी, तो हमने आपको पॉइंट करके बता दिया टाइम को कि पॉइंट क्या करा, 8 बजे पॉइंट कर दिया, 8 बजे मतलब 8 o'clock. क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ना 8 o'clock. अब यहीं पर अगर आ जाता है 8 hours, तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके की अवधि हो गई. क्या हो गई? एक तरीके की अवधि हो गई. तो मतलब ड्यूरेशन हो गया ना, जहां पर भी पीरियड ऑफ टाइम, या हम कह सकते हैं ड्यूरेशन. जैसे आपका ये लेक्चर आधे घंटे का, दिन में कौन सा आधा घंटा है ये तो आपको नहीं पता ना. मैंने ये वीडियो दिन के कौन से आधे घंटे में शूट करी है ये तो आपको नहीं पता होगा ना, और ये वीडियो आप दिन के कौन से आधे घंटे में देखेंगे ये आपको नहीं पता होगा ना. तो मतलब आधा घंटा, एक घंटा, आप अपने स्कूल का होमवर्क करते हैं 1 घंटे में. अब आपने कहा मैम मैंने अपना वर्क जो है वो 1 घंटे में कर लिया था, तो मैं बड़े कन्फ्यूज़ हो गई, बेटा कौन सा 1 घंटा? अब जिसमें कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, जिसमें कन्फ्यूज़न होता है उसमें हम यूज़ करते हैं फॉर. मतलब हमें क्लियर नहीं होता है, सिर्फ हमें ड्यूरेशन बता दी जाती, सिर्फ हमें पीरियड बता दिया जाता. आपसे कह दिया कि
मैं 4 सालों से इस स्कूल में पढ़ा रही हूँ। अब मैं बता रही हूँ कि मैं 4 साल से इस स्कूल में पढ़ा रही हूँ। कौन से 4 साल हैं, अगर मैं लिख कर एक पेपर पे दूँ तो आपको पता चलेगा कौन से 4 साल से भाई मैं पढ़ा रही हूँ। मैंने बीच में गैप करा है, नहीं करा है, या फिर मैं किस किस ईयर में मैंने पढ़ाया है उनको मिलाकर 4 साल, या मैं 4 सालों से पढ़ा रही हूँ तो कौन से 4 साल है, नहीं पता है ना। अगर उसी को हम लिख दें 2006 और यहाँ पर हम लिख दें 4 years, ठीक है, तो 2006। अब देखिए आप लोग अगर किसी भी शॉप पर जाते हैं, दीपक की शॉप पर चले गए, अजंता की शॉप पर चले गए या बाटा की शॉप पर चले गए, तो वहाँ पर एक लिखा होता है सिंस। क्या लिखा होता है वहाँ पर? सिंस। और सिंस के साथ एक ईयर लिखी होती है 1996, मतलब एक वो उन्होंने डेढ़ एक ईयर बता दिया आपको और इस ईयर के पहले सिंस लगा दिया। तो मतलब अगर कोई पर्टिकुलर ईयर दे रखी है तो हम सिंस लगाएंगे। पर्टिकुलर टाइम दे रखा है 8 o'clock, 9 o'clock, 6 o'clock, 8 a.m, ठीक है, 8 o'clock दे रखा है या 8 a.m. दे रखा है, 8 p.m. दे रखा है, 3 p.m. 3 भी हो सकता है, ये नहीं है खाली मैं 8 का एग्जांपल दे रही हूँ आपको तो खाली आप कहें 8 लिखा होगा तभी ना, 8 o'clock भी हो सकता है, 3 o'clock, मतलब एक टाइम बता दिया ना उन्होंने दिन का, 3 बजे मिलूँगी मैं कल, 4 बजे मिलूँगी कल, तो वो चीज़ यहाँ निकल के आ जाती है कि वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम दे रहे हैं। 8 o'clock 2006 पर्टिकुलर ईयर दे दिया भाई, 2006 से पढ़ा रही हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2006 का मतलब समझ में आ गया। यहाँ पर आया 4 years, कौन से 4 साल हैं भाई हमें नहीं पता है, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? फॉर। उसके बाद हम आते हैं अगर मॉर्निंग इवनिंग दिन के किसी भी पहर का टाइम दे रखा है, सिंस मॉर्निंग सिंस इवनिंग, ठीक है, उसके साथ सिंस लगेगा। किसी मंथ का नेम दे दिया, अब यहाँ पर खाली दे दिया उन्होंने 2 months, भाई कौन से 2 महीने हैं साल के? जनवरी फरवरी है, मार्च अप्रैल है, दिसंबर नवंबर है, कौन से हमें नहीं पता, लेकिन अगर यहाँ पर उन्होंने पर्टिकुलर नेम दे दिया तो वहाँ पर जनवरी आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर पर्टिकुलर कोई चीज़ दे रखी है तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे सेंस का, और नहीं दे रखी है तो हम यूज़ करेंगे फॉर का। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर एंड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस का। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, नहीं आ गई? आ गई, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ द सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? जैसे कि नाम से पता चल रहा है 2 टेंसेस को मिलाकर यहाँ पर बना दिया है एक टेंस, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को मिलाकर। इट इज़ वीडियो नंबर 4, not 3। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या करा, सबसे पहले जब एफर्मेटिव का इन्होंने एफर्मेटिव सेंटेंस का अगर हम फॉर्मेशन लेंगे तो क्या लेंगे भाई? सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है हर सेंटेंस में, ये बात अब तक आपको पता चल चुकी होगी, सब्जेक्ट आ जाएगा, ओके। फिर हम यूज़ करेंगे हैज़ या हैव, मतलब परफेक्ट को ले आएंगे थोड़ा सा। फिर हम यूज़ करेंगे बीन। अच्छा ये बताइए, हैज़ और हैव का तो पता ही है ना आपको, हैज़ किसके साथ यूज़ करते हैं और हैव किसके साथ यूज़ करते हैं? हैज़ यूज़ करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव हम यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लस बीन तो लगना ही लगना है। देन हम वर्ब की ING फॉर्म यूज़ करेंगे, ओके। देन वी राइट ऑब्जेक्ट, then we use since or for according to the, then we use since or for according to the time, then यहाँ पर हम use कर लेंगे time का, okay? This is your sentence formation of affirmative sentence. तो सबसे पहले देखें हम सुनीता हैज़ क्यों यूज़ करा, क्योंकि सुनीता जो है वो सिंगुलर है, सुनीता हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट
फॉर 2 ईयर्स। अब सुनीता 2 सालों से इस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही है, तो हमने क्या यूज़ करा, हमने यूज़ करा फॉर, ठीक है। सुनीता हैज़ बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 ईयर्स। जब सुनीता, अब ये 2 साल हमें पता नहीं है कि ये 2 साल कैसे हैं और कौन से हैं 2 साल, इसलिए हमने उसके साथ फॉर लगा दिया। वहीं अगर यहाँ पर दे रखा होता सिंस 2020, ठीक है, 2020 से नहीं कर रहा है, 2019 से कर रहा है। अब यहाँ पर आपको बता दिया ना 2019, तो ये आपको पर्टिकुलर ईयर दे दी, तो आपने सिंस यूज़ कर लिया, बट आपको पर्टिकुलर ईयर नहीं दी, आपको एक ड्यूरेशन बता दी, तो वहाँ पर आपने क्या यूज़ करा, वहाँ पर आपने यूज़ कर लिया, क्या यूज़ कर लिया, फॉर। वेरी गुड, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं हम निगेटिव सेंटेंस के ऊपर। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्या करते हैं हम निगेटिव सेंटेंस में, हैज़ या हैव के बाद नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हैज़ लिखेंगे या फिर हैव लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी यूज हैज़, इफ इट इज प्लूरल देन वी यूज हैव, देन बीन, देन वी राइट वी आईएनजी फॉर्म वर्ब की, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर, देन टाइम। ओके, आया समझ में? तो हमें क्या करना है इसमें, नॉट का यूज करना है। जैसे दे हैव, दे के साथ हैव यूज करेंगे क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है, दे हैव नॉट बीन, नॉट का यूज़ कर रहा क्यों, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग, वो नहीं खेल रहे हैं, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, कब से, सिंस जनवरी, वो जनवरी से नहीं खेल रहे हैं भाई, जनवरी से नहीं खेल रहे हैं, तो हमें पता चल गया ना। अभी यहाँ पर दे रखा होता तुम्हारा, क्या दे रखा होता, सिंस 1 मंथ होता, नहीं, 1 मंथ के साथ क्या लगाते, फॉर लगाते। आगे समझ में इतना, सिंस फॉर का यूज़ करना बहुत आराम से आ गया होगा। अब क्या होगा, अब आएगा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, सबसे पहले हैज़ आ जाएगा, ये आ जाएगा हैव, पता है ना, ये वर्ब को कहाँ ले आते हैं, स्टार्टिंग में ले आते हैं वर्ब, ये तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट टाइप, क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा या हैव आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, बीन, फिर आ जाएगी वर्ब क्या, आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन सेंस, देन फॉर, देन टाइम, प्लस देन क्वेश्चन मार्क। तो जैसे यहाँ पर ये जो एग्जांपल दे रखा है, इसमें क्या होगा, सुनीता हैज़ था, तो क्या हो जाएगा, हैज़ सुनीता बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा सेंटेंस में अपने तब्दीली कर लेते हैं, कैसे करेंगे, सिंस 2001, क्या सुनीता इस प्रोजेक्ट पर 2001 से काम कर रही है, तो वो ये पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा सेकंड टाइप आएगा इसका, एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको इसका, देखिए ये आ गया समझ में इतना, देख लीजिए इसको, हैज सुनीता बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 2001। अब अगर हम सेकंड टाइप देखें, सेकंड टाइप कौन से होते हैं, हमारे डब्ल्यू एच वर्ड वाले होते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, डब्ल्यू एच वर्ड लिख देंगे प्लस हैज़ आ जाएगा या फिर हैव आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच वर्ड ही लग जाएगा, वाई हैज सुनीता बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 2001, ठीक है, समझ में आ गया इतना। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, वेयर हैव दे
दे नहीं, वी करते हैं। वी के साथ हम किसका यूज करते हैं? एफ का। वेयर हैव वी बीन, रह रहे हैं ना, लिविंग, कहाँ रह रहे हैं। वेयर हैव यू कर ले, हमें अपनी बात तो पता ही होगी ना। वेयर हैव यू बीन लिविंग इन मुंबई? फॉर 9 years। अब वो क्या पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं कि भाई मुंबई में तुम 9 साल से कहाँ रह रहे हो, उन्हें नहीं पता है। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम? क्या करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम हैज हैव का यूज़ करते हैं, बीन लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और सिंस फॉर का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। इफ द टाइम इज गिवन इन पीरियड देन वी यूज फॉर, इफ इट इज गिवन अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे फिर फॉर सिंस का, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई है पूरी, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो मैं आपको कराऊंगी चारों टेंसेस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज, ओके। तब तक के लिए क्लास, घर पर रहिए, सेफ रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।